गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने सहित कई देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जिनमें पड़ोसी देश बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश भारत से अपनी जरूरत का गेहूं खरीदता था, लेकिन अब प्रतिबंध के कारण उसे अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है। बांग्लादेश की सरकार और कारोबार अधिकारियों ने बताया कि अब बांग्लादेश अपने गेहूं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए रूस से बात कर रहा है। रॉयट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश रूस से गेहूं खरीद की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि उसे दूसरे विकल्पों की अपेक्षा कम कीमतों पर गेहूं मिल सके। बांग्लादेश खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस से गेहूं के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश ने गुरुवार को रूस के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है। वहीं नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारी ने रॉयट्स से कहा, हम शुरू में रूस से कम 2 लाख टन गेहूं मांगेंगे। वहीं बांग्लादेश खाद्य मंत्रालय से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। बांग्लादेश लगभग 70 लाख टन गेहूं का आयात करता है और पिछले साल इसमें से 2/3 से अधिक भारत से आयात किया गया था। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश ने दूसरे देशों से गेहूं खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसे उतने ही गेहूं के लिए काफ़ी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसे देखते हुए बांग्लादेश ने उन देशों से मांगे गेहूं के सौदे को रद्द कर दिया है। वहीं एक वैश्विक ट्रेडिंग फर्म के मुंबई स्थित एक डीलर ने बताया कि बांग्लादेश भारतीय गेहूं की लागत और माल ढुलाई का प्रति टन $400 से कम का भुगतान कर रहा था, लेकिन अब दूसरे आपूर्तिकर्ता प्रति टन $460 में उसे गेहूं दे रहे हैं। इससे बांग्लादेश में गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मई के महीने में बांग्लादेश में महंगाई 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश का गेहूं स्टॉक भी 3 सालों में सबसे कम 1,66,000 टन पहुँच गया है। वहीं बता दें, एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म के साथ काम कर रहे नई दिल्ली के एक डीलर ने कहा, कई देश हैं जो बांग्लादेश को गेहूं की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा कीमत है। रूस बांग्लादेश को वैश्विक कीमत पर छूट की पेशकश कर सकता है। बांग्लादेश शुरू में रूसी गेहूं की थोड़ी मात्रा खरीदेगा और अगर भुगतान से गेहूँ लेकर की शिपिंग सब कुछ ठीक रहा तो वह गेहूँ खरीद में बढ़ोतरी करेगा। बांग्लादेश को रूस से गेहूँ खरीद पर फायदा तो होगा, लेकिन खरीद की प्रक्रिया को लेकर अभी दोनों देशों के बीच संयम बरकरार है। यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण वो डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि वो रूसी गेहूं का भुगतान कैसे करे। इस पर बांग्लादेश के सरकारी अधिकारी ने कहा, बैठकों में भुगतान समेत सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।